बताया था, कुछ बारीकियां उसकी बताई थी, कुछ टेक्निकल नॉलेज हम लोगों को दिए थे। बताओ। तो मैम उसी टेक्निकल नॉलेज के तहत कल प्रोन पोजीशन पे हमारे कुछ क्वेश्चंस रह गए थे क्योंकि टाइम कम पड़ गया था। तो मैं चाहूंगा कि कल के जो क्वेश्चंस हैं, तीन क्वेश्चन हैं, एक फ्रेंड हमारे फेसबुक का से जो व्यूअर थे उनके, तो मैम क्या मैं क्वेश्चन आप तक पहुंचाऊं? अभी नहीं, हम आज का सेशन खत्म करते हैं। जब हम क्वेश्चंस लेंगे ना लास्ट में, तो पहले वो लेंगे, उसके बाद आज के ले लेंगे। ठीक है? अच्छा, ओके मैम। तो ओके। टुडेज मैम टॉपिक इज अबाउट स्टैंडिंग। तो आज आप 50 मीटर थ्री पोजिशन का जो पार्ट इवेंट है स्टैंडिंग, उसके बारे में आप मैम से जानकारी प्राप्त करेंगे। आपके जो भी डाउट है वो सेशन के खत्म होने के बाद में क्वेश्चन आयर होंगे, तो उसमें आपका जो भी शूटर की जो भी क्वेश्चन आ रही है, या किसी और व्यूअर की, किसी कोच की, या किसी हमारे जो लिसनर हैं उनका जो भी क्वेश्चन होगा वो आप तक मैम से डायरेक्ट आप पूछ सकते हैं, आप हमारे माध्यम से पूछ सकते हैं। तो मैम टुडेज टॉपिक इज योर्स, मोस्ट वेलकम मैम। यस दीपक, थैंक यू वेरी मच, और गुड इवनिंग एवरीवन। चलो, वेलकम बैक आफ्टर अ शॉर्ट ब्रेक। अभी रेवा, कैन यू स्टार्ट स्क्रीन शेयर? आज हम शुरू में थोड़ा सा हम रिकैप कर लेते हैं, क्योंकि पहले फर्स्ट डे पे कई सारी ऐसी बातें हुई जो आज हमारे लिए काम आएगी। और सो उसका एक बार रिकैप कर लेते हैं। फर्स्ट डे ओके, फर्स्ट डे अच्छा आधी चलिए। ओके ओके ओके। सो हमने पहले दिन देखा कि 50 मीटर रेंज क्या होती है। आप देख सकते हो स्क्रीन पे कैसी दिखती है, टारगेट कैसे होते हैं, वो आउटडोर रेंज पे जैसे विंड फ्लैग आप देख रहे हो, तो विंड है, लाइट है, ऑफ कोर्स बाकी जैसे वेदर चेंज होता है उसके इफेक्ट्स भी आते हैं। डिटेल में हम ऑफ कोर्स आगे जैसे जाके हम आगे उसके बारे में और बात करेंगे, लेकिन दीज आर द थिंग्स वी सॉ की फीचर्स क्या है 50 मीटर राइफल शूटिंग, कैसे बनता है, कैसे डेवलप हुआ ये इवेंट। तो उसके बाद देखा हमने कि क्या क्या वेपन्स और इक्विपमेंट्स कौन से यूज होते हैं। ये सारे मतलब बेसिक ये चीजें चाहिए ही, ये अलग अलग शेप और टाइप की आती है मार्केट में, बट दीज आर द बेसिक इक्विपमेंट दैट वी यूज फॉर 50 मीटर इवेंट्स। फिर इसके बाद हमने देखा कि इवेंट्स क्या क्या शूट होते हैं 50 मीटर रेंज पे, स्पेशली राइफल इवेंट्स। एक है 50 मीटर राइफल प्रोन इवेंट, जिसमें पूरा का पूरा मैच प्रोन पोजीशन में, एक ही पोजीशन में शूट किया जाता है। सारे ऑल 60 शॉट्स आर फायर्ड इन वन पोजीशन। वो है एक 50 मीटर राइफल प्रोन इवेंट। वो मेन वेमेन सारे ही, अभी तो जेंडर इक्वालिटी है और पहले से ही दोनों ही इवेंट दोनों के लिए थे, मेन वेमेन के लिए। सिर्फ मेन प्रोन वॉज फॉर इट वॉज ओलंपिक इवेंट टिल 2016, लेकिन उसके बाद से वो अभी अगले इस 2020 के ओलंपिक के लिए वो ओलंपिक में नहीं है वो इवेंट। लेकिन थ्री पोजीशन जो हमारा इवेंट है राइफल का, वो मेन वेमेन दोनों का ही है, और अभी जेंडर इक्वालिटी के लिए उन्होंने पहले वेमेन का 60 शॉट का था, अभी वो भी 120 शॉट्स का हो गया। मतलब हर पोजीशन में आप देख सकते हो ये तीनों पोजीशन में 40 40 40 करके शॉट्स चलाए जाते हैं। ये सारे टोटल हमारा जो सारे जो शूटिंग इवेंट्स है, आई थिंक उसमें ये सबसे लंबा चलने वाला इवेंट है, जो दो दो घंटे 45 मिनट का पूरा मैच होता है। मतलब एक कंटिन्यूअस उस टाइम में आपको पूरे तीनों पोजीशन खत्म करने हैं। तो इस तरह से ये 50 मीटर राइफल के ये इवेंट्स हैं। फिर हमने सेकेंड डे पे देखा, फर्स्ट डे में हमने देखा था कि पैरामीटर्स क्या है शूटिंग पोजीशंस के, बेसिक पैरामीटर्स जिसके ऊपर हम हमारा पोजीशन तोलते हैं। और दूसरा दूसरे दिन हमने देखा कि प्रोन पोजीशन जो एकदम बेसिक पोजीशन इसलिए है क्योंकि वो सबसे स्टेबिलिटी पाना आसान है, तो सीखना भी थोड़ा
आसान हो जाता है, तो इसलिए जनरली जो थ्री पोजिशन सीखना शुरू कर देते हैं या 50 मीटर इवेंट सीखना जो शुरू करते हैं वो प्रोन इवेंट से शुरू करते हैं। तो इसके लिए हमने वो देखा प्रोन पोजिशन, पहले दिन हमने देखा कि वो उसके क्या क्या, किस तरह से उसके चैलेंजेस क्या है, किस तरह वो डेवलप किया जा सकता है। और आई वॉन्ट से आइडियल पोजिशन, आइडियल हर शूटर के लिए अलग अलग है, बट क्लोज टू आइडियल क्या करने से आपको अच्छा पोजिशन मिल सकता है, ये हमने उस दिन देख लिया। और उसके साथ साथ हमने ये भी देखा कि थोड़ा सा फाइन ट्यूनिंग के कुछ टिप्स आए उसमें। सो वैसे ही अभी आज हम जानेंगे स्टैंडिंग पोजिशन के बारे में। अभी पैरामीटर्स तो हमने उस दिन सेट कर लिए थे, बैलेंस, स्टेबिलिटी, स्टेबिलिटी और सस्टेनेबिलिटी। और इन्हीं तीन पैरामीटर्स पे इवन स्टैंडिंग पोजिशन भी हम देखेंगे कि कैसे चलता है। तो बिफोर आई गो टू द ये है बैलेंस स्टेबिलिटी, ये एक हम एक्चुअल पोजिशन में के तरफ जाने से पहले मैं थोड़ा इसके बारे में, थोड़ा हमारा जो एक बेसिक साइंस के दो सब्जेक्ट्स लिए थे पहले दिन, तो उसका थोड़ा सा रिकैप। और हम जानते हैं अभी हम जानते हैं इसमें कि ये दो स्टैंडिंग के लिए कैसे वर्क करते हैं, ठीक है। क्योंकि ये जो जैसे बैलेंस ऑफ स्टेबिलिटी, सेंटर ऑफ ग्रेविटी का जो कॉन्सेप्ट है वो स्टैंडिंग पोजिशन में बैलेंस ऑफ स्टेबिलिटी ही सबसे ज्यादा मायने रखती है और बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है वो, मतलब दैट इज द चैलेंज इन दिस पोजिशन। तो इसलिए हम एक बार ये और हमारा जो ह्यूमन फिजियोलॉजी कैसे हमारे लिए यहाँ हेल्प करता है या कैसे काम करता है, ये दो एक शॉर्ट में फटाफट देख लेते हैं, फिर उसके बाद हम जाएंगे स्टैंडिंग पोजिशन की तरफ। पहले देखते हैं सेंटर ऑफ ग्रेविटी। अभी आप देख सकते हैं उस दिन सिमिलर एक पिक्चर था आपके पास जो पहले दिन मैंने दिखाया था, उसमें हमने स्क्वायर के साथ जाना था कि कैसे सेंटर ऑफ ग्रेविटी कैसे शिफ्ट होता है, फिर बेस ऑफ सपोर्ट क्या मायने रखता है, वो ग्रेविटेशनल लाइन क्या मायने रखती है। तो अभी हम इस इन डायग्राम्स के साथ उसको एक बार दोबारा देखते हैं और फिर उसको हमारे स्टैंडिंग पोजिशन के साथ रिलेट करते हैं। तो आप देख सकते हो कि पहला जो इसमें पहला जो फिगर है उसमें वो पूरा एक रेक्टेंगुलर जैसे डब्बा है, बॉक्स है, जो पूरा लिटा के रखा है, जो पूरा लिटा के रखा है ग्राउंड पे, ठीक है। तो उसके वो क्योंकि वो लिटा के रखा है उसका बेस ऑफ सपोर्ट अच्छा खासा, जितना मैक्सिमम उस ऑब्जेक्ट को मिल सकता है उतना बेस ऑफ सपोर्ट है, उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी एकदम मार्क किया हुआ है, तो वहां से जो ग्रेविटेशनल लाइन है बहुत छोटी है। तो यहाँ ये बताने के लिए आप सभी समझ सकते हो कि अगर ये बॉक्स है उसको उठा के उसको अगर राइट हैंड साइड पे उसको अगर हमें पलटना है तो काफी जोर लगेगा, ठीक है। अभी आप देखिए दूसरा जो फिगर है उसमें आप देखो कि उसमें वही डब्बा हमने खड़ा कर दिया, ठीक है। अभी वो जो ये पहला जो था वो हमारा काइंड ऑफ से अगर इसको हम ह्यूमन बॉडी कहते हैं तो पहला फिगर हो गया हमारा प्रोन पोजिशन। अभी दूसरा फिगर है उसी को हमने खड़ा किया, तो वो ये हो गया हमारे स्टैंडिंग पोजिशन के जैसे। तो हमारा सेंटर ऑफ ग्रेविटी वो बॉडी में, जहां बॉडी का सेंटर ऑफ ग्रेविटी रिमेन्स द सेम, तो वो आ गया ऊपर, तो और बेस ऑफ सपोर्ट हो गया छोटा और सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऊपर आ गया, ग्रेविटेशनल लाइन लंबी हो गई। अभी आप खुद समझ सकते हो कि इस डब्बे को गिराना उस पे राइट हैंड साइड पे अगर उसको गिराना है बहुत आसान है, एक थोड़ा धक्का दे दो वो अपने आप गिर जाएगा, ठीक। तो अभी लेट्स गो टू थर्ड फिगर। अभी तीसरे फिगर में हमने क्या किया, ऊपर से थोड़ा सा वजन हटा दिया उसके ऊपर, ओके। एक थोड़ा सा एकदम पिरामिडल नहीं है उसका, ऊपर का जो टॉप है वो थोड़ा नैरो कर दिया, तो उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी नेचुरली ऊपर का काफी सारा वजन हट गया, तो वो जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी नीचे आ गया, तो उसका बेस ऑफ सपोर्ट अच्छा है। तो दिस इज ये जो दूसरा फिगर है उससे ये थोड़ा स्टेबल है, ज्यादा स्टेबल है उससे ज्यादा, तो इसको गिराने के लिए आपको थोड़ा ज्यादा जोर लगाना पड़ेगा। अब आते हैं हमारी चौथी फिगर की तरफ, ये हमारा है
स्टैंडिंग का जो हमें कंडीशन मिलती है, मतलब जिसको हमें हैंडल करना है, ये हमारे स्टैंडिंग जैसा है कि एग्जैक्टली वही ऑब्जेक्ट हमने उल्टा कर दिया तो उसका बेस हो गया छोटा, सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऊपर चला गया। अभी इसको गिराने के लिए तो आपको बहुत ज्यादा तकलीफ नहीं पड़ेगी, अब थोड़ा धक्का मारो वो अपने आप गिर जाएगा। सो ये हुए, ये आप याद रखिए अभी हमने जो भी एक्सप्लेन किया है। अब ये जो लास्ट के दो फिगर्स है वो हमें स्टैंडिंग में, इसको हम इसके साथ हम अपना पोजीशन रिलेट करेंगे, लेकिन उसके पहले थोड़ा सा जो ह्यूमन फिजियोलॉजी जो एक टर्म आई थी उसको थोड़ा जान लेते हैं। फिजियोलॉजी टर्म का, टर्म को सुन के आप डरना नहीं, कुछ नहीं है वो, जिस तरीके से हमारी हड्डियाँ और मसल काम करते हैं वो आता है ये फिजियोलॉजी के अंदर। तो बेसिकली हमने उस दिन भी मैंने कहा था कि हमारा स्केलेटन, आप सभी ने स्कूल में हम देखते हैं लैब में एक स्केलेटन टंगा हुआ रहता है, तो अगर वो उसको सपोर्ट ना दो, मतलब उसको अगर कहीं टांगे नहीं हम, तो वो गिर जाएगा। हमारी हड्डियां अपने आप में खड़ी नहीं हो सकती, ठीक है, उनको उस पोस्चर में रखने, किसी भी पोस्चर में अगर हमें हमारी हड्डियों को रखना है अपने आप, तो उसमें मसल की जरूरत है। लेकिन वो जो हड्डियां हैं, वो हड्डियां हमारे पूरे बॉडी को एक फॉर्म देती है, वो हड्डियों की वजह से हम जो जैसे अभी हम दिख रहे हैं वो हड्डियों की वजह से वो दिखते हैं, नहीं तो मसल तो कैसा है, एक बस जैसे एक मसल सारे इकट्ठा होके एक हो गया, जैसे हम आटा गूंथते हैं आटे जैसा हो जाएगा, लेकिन ऐसा है नहीं, हड्डियां है इसलिए हमें एक ये फॉर्म मिला है। तो ये हड्डियां बहुत इम्पॉर्टेंट काम करती है, एक तो हमारा फॉर्म, हमें पूरे बॉडी को जो फॉर्म है, ये जो शेप है वो देना, वो उसका काम है, उनका काम है, और एट द सेम टाइम हमारे वो मसल्स को, हड्डियां वो मसल्स रहते हैं हड्डियों के सहारे, ठीक है, जैसे वो हड्डियां जो है वो, क्योंकि हड्डियां स्ट्रांग है उनके ऊपर हम वजन पेलते हैं। जैसे अभी अगर मेरे पास कुछ बहुत भारी सा अगर सामान आए तो अगर मुझे पकड़ना है तो मैं ऐसे पकड़ती हूँ और सारा जो वजन है वो हड्डियों के थ्रू जमीन तक ट्रांसफर होता है। तो वैसे ये हड्डियां हमारे लिए काम करती हैं कि वो वजन सारा जो है वो हड्डियों पे, हम सारे मसल्स उसको सपोर्ट कर रहे हैं बट वो ट्रांसफर होता है हड्डियों में और वो फ्लोर पे ट्रांसफर होता है। तो जितना हम, और ऑफ कोर्स मसल्स तो है ही, क्योंकि वो मसल्स हमें बॉडी मूवमेंट के लिए हमें हेल्प करते हैं, और वो जो हमारी हड्डियां हैं उनको एक जगह पे होल्ड करने का काम भी मसल्स करते हैं। तो हमें ये दो हमारे मेन इनबिल्ट सपोर्ट्स है, हड्डियां है, और मतलब हड्डियां मतलब हमारा बोन स्ट्रक्चर और हमारे मसल्स, ये दो जो है हमारा बेसिक सपोर्ट सिस्टम है। तो जब हम अभी, और हमें, आप देखो कि हमें भगवान ने कैसे डिजाइन किया है ताकि हम अच्छे से आराम से खड़े हो सके, हम चल सके, हम बैलेंस मेंटेन कर सके। अगर कोई भी एक ह्यूमन आप स्ट्रक्चर देखोगे, हमारा पूरा एकदम सिमेट्रिकल है, हमारे पास दो हाथ है, दो पैर है, सर भी पूरा सिमेट्रिकल है। तो उसके वजह से बैलेंस, ऐसे नॉर्मल पोस्चर में बैलेंस मेंटेन करना हमारे लिए आसान है, ठीक है। अभी ये हम देखते हैं कि ये सिमेट्री और हमारा बोन स्ट्रक्चर हमें स्टैंडिंग में कैसे काम आता है। तो ये रही हमारी स्टैंडिंग पोजिशन। तो अभी स्टैंडिंग बैलेंस मेंटेन करने के लिए हमारे पास क्या क्या है, हम फैक्टर्स देखते हैं। एक टॉल पोस्चर है, मतलब प्रोन में हम लेटे हुए थे, अभी स्टैंडिंग में हम पूरे खड़े हैं। हेवी टॉप एंड स्मॉल बेस ऑफ सपोर्ट। हेवी टॉप मतलब राइफल जैसे, अभी ये नॉर्मली तो मैं एकदम आराम से खड़ी हूँ और मेरा अच्छा खासा बैलेंस है, ठीक है, सिमेट्रिक जैसे वो खड़ा है शूटर, आप देख सकते हो उस फिगर में। और जैसे ही आप राइफल हमारे बॉडी पे रेस्ट होता है, राइफल का वजन अराउंड 5 से 6 किलो हमारा राइफल का वजन होता है, 0.22 राइफल का। तो जैसे ही वो राइफल हमारे बॉडी पे आता है, वी आर एडिंग एक्स्ट्रा वेट ऑन द टॉप, ऊपर हम ज्यादा वेट डाल रहे हैं। और उसके साथ साथ सिर्फ ऊपर ही नहीं है, वो राइफल बॉडी के बाहर भी जा रहा है, क्योंकि जैसे हमने पहले दिन देखा कि वो राइफल का जो बैरल होता है वो हेवी मेटल का बना हुआ है, तो इसलिए बैरल का वेट काफी होता है।
तो राइफल का बैलेंस आगे की तरफ ज्यादा होता है, तो जब हम उसको हमारे बॉडी पे रेस्ट करते हैं तो हमारे राइट साइड में सॉरी लेफ्ट साइड में ज्यादा वजन आ जाता है और हमारा जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है वो थोड़ा सा जनरली नॉर्मल ह्यूमन का एक सेंटर ऑफ ग्रेविटी नेवल के तरफ होता है, नेवल के थोड़ा लेवल पे होता है और थोड़ा सा पीछे बैकबोन के पास होता है। तो वो ये राइफल जो उठा के हमें खड़े होना है उसकी वजह से वो थोड़ा आगे शिफ्ट होता है, लेफ्ट हैंड की तरफ शिफ्ट होता है। तो अभी उसको हमें बैलेंस करना है, तो उस बैलेंस करने के लिए हम क्या करते हैं, हम पैर थोड़े चौड़े कर लेते हैं, ठीक है। जैसे आप देख सकते हो वो राइट की जो फिगर है इसमें आप देख सकते हो, उसने पैर थोड़े चौड़े कर लेते हैं और जो अपर बॉडी है क्योंकि वजन उस तरफ ज्यादा है तो वो राइफल को हम लेफ्ट हैंड से सपोर्ट करके अपर बॉडी थोड़ी पीछे कर लेते हैं ताकि वो वजन थोड़ा हमारे ऊपर आए, जो लेफ्ट में गया हुआ जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है वो तो थोड़ा सेंटर की तरफ आए, इसलिए हम ऐसे बेंड करते हैं। अब ये जो हिप है हमारा, हिप हम आगे पुश करते हैं टारगेट की तरफ एंड देन और हम वो जो राइफल का वेट है हम पीछे ले लेते हैं, ऐसे करके हम सेंटर ऑफ ग्रेविटी दोबारा बीच में लाते हैं। अब आप देखो इसकी स्टेबिलिटी कैसी है। स्टेबिलिटी ऑफ कोर्स आपने देखा कि इसमें जो बेस ऑफ सपोर्ट छोटा है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी जमीन से काफी ऊपर है, ग्रेविटेशनल लाइन लंबी है और बेस ऑफ सपोर्ट की लाइन छोटी है, तो नेचुरली यहाँ पे स्टेबिलिटी पाना मुश्किल है। जो स्टेबिलिटी हमें प्रोन में मिलती है उस तरह की स्टेबिलिटी स्टैंडिंग में मिलना मुश्किल है, वहाँ उसके लिए हमें ज़्यादा एफर्ट्स डालने पड़ेंगे, वो नेचुरली नहीं आएगी। तो फिर वो स्टेबल करने के लिए हम करते क्या है, आप इस फिगर में देख सकते हैं वो स्टेबिलिटी के लिए यहाँ अब हम बोन, हमारा जो बोन स्ट्रक्चर है वो यूज कर रहे हैं कि वहाँ हमने बॉडी को बेंड कर दिया साइड वेज दिस वे, इस तरह से बेंड कर दिया। फिर जैसे हम अदरवाइज भी अगर आपके हाथ में कोई बड़ा सा सामान अगर आपको दे और उसको लेके आपको काफी लंबे टाइम तक खड़ा होना है तो हम कैसे खड़े हो जाते हैं, ऐसे खड़े हो जाते हैं। उसमें क्या करते हैं हम कि ये पूरा जो ये बैकबोन या ये पेल्विस के नीचे का जो ये जगह है यहाँ एक टेबल जैसा बना लेते हैं और उसके ऊपर उसको रेस्ट करते हैं ताकि दोनों पैरों पे पैरों से वो आपका वेट जो है जमीन में अच्छे से ट्रांसफर हो और आप आराम से खड़े हो पाओ, ठीक है। तो इसी तरीके से यही तरीका यूज करके हम स्टैंडिंग में भी ये जो बैकबेंड है वो उस बैकबेंड को यूज करके उससे क्या होता है आपकी हाइट भी थोड़ी नीचे आती है, उसके वजह से ग्रेविटेशन सेंटर ऑफ ग्रेविटी थोड़ा जमीन के पास आता है और ऊपर से ये जो अपने बेंड कर रखे हैं उससे जो हमारे बोन्स है वो अच्छे से लॉक हो जाते हैं और उसके साथ साथ जब उसको मसल का सपोर्ट मिल जाता है स्ट्रॉन्गली देन इट कैन होल्ड यू नाइसली, तो अब आपकी स्टेबिलिटी अच्छी आती है। आप ये देख सकते हो अभी नेक्स्ट स्लाइड में आप देख सकते हो कि कैसे अभी कैसे चेंज हुआ है और कहाँ कहाँ बेंड हुआ है। तो हमें यहाँ मल्टीपल बेंड्स हम करते हैं, एक तो ये लैटरल है मतलब टारगेट से दूर थोड़ा सा हिप एकदम स्ट्रेट आगे ले जाके इस तरह से हम एक बेंड करते हैं और इसके साथ साथ बैकवर्ड बेंड भी है, तो ये मल्टीपल बेंड है। और क्योंकि हम राइफल का सारा वजन पीछे ले रहे हैं हमारे जो राइट साइड के जो मसल्स हैं कई सारे मसल्स एक्टिवेट होते हैं, वो हम देखते हैं कैसे होते हैं। तो आप इस फिगर में देख सकते हो कि कौन कौन से मसल हमारे यहाँ भी एक्टिव है जो कि हमारी बॉडी को अच्छे से मतलब स्टेबल रहने के लिए वो राइफल का वेट उठा के दे आर होल्डिंग अस इन प्लेस। तो आप देख सकते हो कि कोर मसल्स है, ये सारे मसल्स ये जो हमारे कमर लोअर एब्डोमिनल मसल्स लोअर बैक मसल्स और ये जो पूरा ये सर्कल है दिस आर कॉल्ड कोर मसल्स। ये सारे मसल्स स्टैंडिंग पोजीशन के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है और इनको आपको अच्छे से डेवलप करना पड़ेगा इफ यू वांट अ स्टेबल स्टैंडिंग पोजीशन। और ये और क्योंकि हम जैसे हिप्स
सामने ले जाके ये बेंड कर दिया, फिर थोड़ा बैकवर्ड बेंड हो गया। तो ये मल्टीपल बेंड की वजह से ये जो आपके हमारे पीठ का एक जो ये पॉइंट है वहाँ पे एक वहाँ पे बहुत ज़्यादा प्रेशर आता है और उससे कई बार बच्चों को इंजरी हो सकती है। तो क्योंकि हम लगातार ये ट्रेनिंग डेली बेसिस पे करते हैं तो इसीलिए ये कोर मसल्स आप स्टैंडिंग पोजीशन शुरू करो उससे पहले थोड़ा सा फिटनेस अपना अच्छा बनाना बहुत ज़रूरी है। अगर आपके कोर मसल स्ट्रांग है तो आप बहुत आसानी से स्टैंडिंग पोजीशन अडेप्ट कर सकते हो और कमांड भी कर सकते हो। फिर आप देख सकते हो ग्लूट्स जो है हमारे जैसे हिप के जो मसल्स है वो एक्टिव होते हैं, हैमस्ट्रिंग्स एक्टिव है, काफ एक्टिव है और इस वजह से इस पोजीशन में इतने सारे मसल्स एक्टिव हैं। तो उससे क्या होता है कि सस्टेनेबिलिटी, एक हमने उस दिन प्रोन में भी ये देखा था कि सस्टेनेबिलिटी मतलब स्टेबिलिटी और बैलेंस आ गया ठीक है, लेकिन हमें सिर्फ वो वैसे खड़े खड़े तो नहीं रहना पूरा टाइम, हमें लोड अनलोड करना है, एक शॉट चलाना है और वो शॉट की एक्यूरेसी ही अल्टीमेटली हमारा गोल है। तो अगर सही तरीके से अच्छा शॉट अगर हमें चलाना है, एक्यूरेट शॉट चलाना है, तो हमें ये सस्टेनेबिलिटी मतलब वो पोजीशन उस पर्टिकुलर एक्टिविटी में हमें कैसे काम देगा वो देखना बहुत ज़रूरी है। तो वहाँ हमने देखा था कि हर शॉट एक जैसे चले या हम सेम शॉट रिपीट कर पाए उसके दो तरीके हैं, या तो एक बार पोजीशन लो उसको छोड़ो ही मत, बस कोई अपने आप अनलोडिंग अनलोडिंग होती रहे और हम चलाए, एक ये तरीका है ताकि कोई पोजीशन हिलेगा ही नहीं, चेंज ही नहीं होगा तो शॉट तो एक जैसे चलेगा ही। और दूसरा एक तरीका है कि पूरा एक्शन आपको रिपीट करना है। स्टैंडिंग प्रोन में तो हमने थोड़ा सा ट्विक करके पोजीशन ऐसे बना लिया जहां आप मोर और लेस बहुत ही थोड़े मूवमेंट में आप हर बार लोड अनलोड कर सकते हो और आपका हर शॉट आप रिपीट कर सकते हो। लेकिन स्टैंडिंग में क्योंकि स्टेबिलिटी ऑलरेडी इतनी कम है, स्टैंडिंग में ये कर पाना मुश्किल है। बॉडी बहुत जल्दी और इतने सारे मसल्स ऑलरेडी एक्टिवेटेड है वो तो थक जाएंगे और फिर धीरे धीरे वो आपका पोजीशन डिस्टॉर्ट कर देंगे। तो स्टैंडिंग में तो ये पॉसिबल नहीं है कि एक पोजीशन लो और उसी पे बने रहो। तो फिर स्टैंडिंग में हमें क्या करना है, स्टैंडिंग में हमें करना है रिपीट एक्शंस। सो रिपीट एक्शंस प्रिसाइजली फॉर एवरी शॉट। हर बार आप राइफल उठाओ, आओ और शॉट चला, खत्म करो। तो ये जो एक्शन है आपको हर बार एक जैसे रिपीट करना है। अभी मैं यहाँ पे एक बताती हूँ कि प्रोन और स्टैंडिंग के बीच में फर्क क्या है। उस दिन प्रोन के बारे में मैंने बताया था, प्रोन बहुत ही प्रिसाइज है, एक्यूरेसी बहुत अच्छी मिलती भी है। तो प्रोन इज लाइक जैसे हम सुई के वो छोटे से होल में धागा डालने जैसा, प्रोन पोजिशन में जो स्किल लगती है वो वैसा है कि सुई के एक छोटे से होल में धागा डालना है। और अगर प्रोन वैसा है तो स्टैंडिंग आप किसके साथ, स्टैंडिंग का स्किल किसके साथ मैच करोगे। स्टैंडिंग इज लाइक जंपिंग ऑफ अ मूविंग ट्रेन, मतलब चलती हुई गाड़ी से कूदना, हर बार उसी जगह पे कूदना है और स्मूथली लैंड भी करना है। तो ये इसलिए स्टैंडिंग और प्रोन में जो स्किल लगते हैं वो अलग 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 काइंड अलग तरीके के स्किल की जरूरत होती है। तो यहाँ जैसे हमारा मूवमेंट है, उस मूवमेंट के बीच में आपको सही जगह पे एकदम जब आपका पूरा मूवमेंट आपके कंट्रोल में आए उस टाइमिंग में शॉट चलाना है और वो कंट्रोल वैसे ही रख के शॉट स्मूथली जैसे लैंड करे टारगेट पे, वो आप रिकॉइल लो और शॉट खत्म करो। तो ये अलग स्किल स्टैंडिंग के लिए ज़रूरी है। इसीलिए मैं हमेशा सजेस्ट करती हूँ, कोई न्यू कमर अगर देख रहा है तो या कोचेस कोई देख रहे हैं तो उनको एक हम यूजुअली दैट्स अ प्रैक्टिस ऑल्सो, यही प्रैक्टिस है हमारी। जनरली हम प्रोन से 50 मीटर सिखाना प्रोन से शुरू करते हैं। तो प्रोन और स्टैंडिंग पहले आप करो। अगर आप एयर राइफल कर रहे हो तो बहुत ही अच्छा है,
फिर आपको बस प्रोन सीखने की जरूरत है। प्रोन और स्टैंडिंग एक बार आपको समझ में आ जाए तो फिर नीलिंग सीखना आसान हो जाएगा, क्योंकि वो नीलिंग जो है वो दोनों का मिक्सचर है। वो कैसे, वो हम कल देखेंगे। अभी हम आगे बढ़ते हैं कि ये स्टैंडिंग का पोजीशन, ये बेसिक तो आपने देख लिया स्टैंडिंग का कैसे पोजीशन बनता है। अभी हम देखते हैं कि स्टैंडिंग का पोजीशन के लिए आप स्टैंडिंग का पोजीशन सिस्टमैटिकली कैसे डेवलप करें। ये क्यू सिस्टम होना चाहिए, ये हम दो बार ऑलरेडी बात कर चुके हैं। तो अभी यहाँ देखते हैं कि कैसे हमें स्टैंडिंग के पोजीशन के लिए कैसे प्रिपेयर करना है। सबसे पहले तो प्रिपेयरिंग इक्विपमेंट कम्स, मतलब वो पहले आएगा ही आएगा, क्योंकि हम इतने सारे इक्विपमेंट यूज करते हैं। आपको कुछ भी करने से पहले आपको अपने इक्विपमेंट अच्छे से चेक करने चाहिए और उनको प्रिपेयर करना चाहिए। तो चेक बट लेंथ, उस दिन जैसे प्रोन में आपने किया था वैसे ही करना है। ग्रिप पकड़ो आप और यहाँ पे आपका बट प्लेट लगाओ, दैट इज योर अप्रोक्सीमेट बट लेंथ। लेकिन जब आप पोजिशन लेते हो तब आपका ग्रिप, आपका ये जो राइट हैंड है वो जहाँ पे आता है आराम से, मतलब ग्रिप आपका यहाँ आराम से बैठना चाहिए, या हाथ आप जब यहाँ रखते हो ऐसे, तब इसके अंदर उसको आपको बट को और ग्रिप को फिट करना है इसके अंदर। तो और इस तरह से फिट करना है कि दोनों प्रेशर सही हो और आपका हाथ रिलैक्स्ड रहे। तो इसलिए ये लेंथ जो है ये अप्रोक्सीमेट ये लेंथ होता है, वो जब आप पोजीशन लोगे तब उसको आप अपने हिसाब से सेट कर सकते हैं। तो पहले तो बट लेंथ चेक करना है, उसके बाद स्टैंडिंग में हमें हैंड स्टॉप की जगह हमें चाहिए पाम रेस्ट। जो पाम रे, अब बाद में आप उसके पिक्चर्स देखोगे, और पहले दिन हमने दिखाया था पाम रेस्ट का पिक्चर जो इक्विपमेंट वाले पेज पे था। तो पाम रेस्ट इज अ, ये हमारा पाम है, लेफ्ट पाम, ओके। उसके ऊपर जहाँ पे आपका राइफल रेस्ट होता है हाथ पे, वहाँ पे एक लकड़ी का ब्लॉक होता है, उसको कहते हैं पाम रेस्ट। तो पहले तो जैसे मैंने जब शुरू की थी शूटिंग, तब वो लकड़े के पुराने हमारे स्टैंडर्ड राइफल आते थे, तो उसमें वो उसका जो स्टॉक होता था वो ही काफ़ी डीप और चौड़ा होता था। तो हम उसी के ऊपर उसी को डायरेक्टली हाथ पे रेस्ट करते थे। लेकिन आप अभी देख सकते हो, इतनी बार हमने जो वेपन के सारे पिक्चर्स देखे हैं, तो अभी क्या हुआ है कि अभी वो फ्री राइफल या स्पोर्ट राइफल में स्टॉक एकदम पतले से आते हैं, स्लिक स्टॉक आते हैं। तो उसके नीचे फिर अगर आप उसको यहाँ पे रखोगे ऐसे हाथ में लोगे, तो आपको हाइट इनफ नहीं आती, राइफल बहुत नीचे चला जाता है। तो अभी फ्री राइफल और स्पोर्ट्स पिस्टल में वो पाम रेस्ट आते हैं और उसकी हाइट एडजस्टेबल होती है। आप अपने हिसाब से कोई भी हाइट में उसको पाम रेस्ट को राइफल के साथ अटैच कर सकते हो। फिर ये दो चीज़ें, ये एक चीज़ है ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, फासन ट्राउज़र। आपका ट्राउज़र जो है स्टैंडिंग में, यहाँ पे ट्राउज़र और जैकेट दोनों ही बहुत मायने रखते हैं, क्योंकि वो दोनों हमें सपोर्ट देंगे। लेकिन ये याद रखना है कि ट्राउज़र और जैकेट आपके पोजीशन को सपोर्ट देने के लिए है, ना ही आपका पोजीशन डिसाइड करने के लिए है। अगर आप नॉर्मली जैसे टेलर से स्टिच होके आया है उसी तरह से उसको चढ़ा के सारा टाइट करके अगर खड़े हो जाओगे तो आप किसी भी तरह से हिल नहीं पाओगे, क्योंकि उसका स्टिफनेस ज़्यादा होता है। तो जब आप ट्राउज़र और जैकेट फिक्स करते हो स्टैंडिंग के लिए, तब आपको इस तरह से करना है कि आप आराम से अपना पोजीशन ले पाओ और जो भी पोजीशन है उसको वो सपोर्ट करे। अगर मुझे ऐसे खड़े होना है, अगर मुझे ऐसे खड़े रहना है, तो उसको ये जो बेंड है उसको ट्राउज़र अगर सपोर्ट करता है तो मैं आराम से इस पोस्चर में खड़ी हो पाऊंगी। लेकिन अगर ये बहुत ज़्यादा स्टिफ है तो वो मुझे बार बार सीधा करेगा, ट्राउज़र का जो स्टिफनेस है वो मुझे ऐसे खड़े नहीं होने देगा, वो मुझे सीधा करेगा। इट्स नॉट ओनली ट्राउज़र, इवन जैकेट, वो दोनों इकट्ठा जब आते हैं तो इट्स अ स्ट्रॉन्ग फोर्स, तो आप वो उसको, वो आपको फिर बेंड नहीं होने देगा। तो आपको इस तरीके से आपकी ट्राउज़र टाइट करनी है ताकि आप अच्छे से पैर फैला के अच्छे से खड़े हो पाओ
और आपका ये जो लैटरल बेंडिंग है, बैकवर्ड बेंडिंग है, उसको वो सपोर्ट करे, ना कि वो ट्राउजर के हिसाब से आप अपने बेंड मत डिसाइड करो, आप अपना पोजिशन डिसाइड करो और उसके ऊपर फिर ट्राउजर फिक्स करो वैसे। और ये ट्राउजर और एक काम करता है कि जैसे जब हम ऐसे खड़े होते हैं, इस हाथ का हम यहाँ पे सपोर्ट लेते हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे एक टेबल बनाने का काम भी ट्राउजर करता है। तो इस तरह से ट्राउजर आपको फिक्स करनी है कि आपको सपोर्ट भी दे आपके पोजिशन को और आपको अच्छा टेबल भी दे। उसके बाद आता है जैकेट। जैकेट के तो ऑफकोर्स सारे के सारे बटन टाइट करने हैं, लेकिन वो भी वो टाइट करते वक्त भी आपको ये देखना है कि वो जो जैकेट के बटन्स हैं आपको पोजीशन के हिसाब से हो। कई बार क्या होता है कि वो इतने टाइट होते हैं कि वो आपको बेंड भी नहीं करने देते और यहाँ सब कुछ इतना फ्लैट हो जाता है कि आपका हाथ यहाँ से फिसल जाता है, ये हाथ रखने के लिए यहाँ टेबल ही नहीं बनती। तो इसलिए आपके जैकेट के बटन्स भी आपको उस हिसाब से सेट करने हैं। उसके बाद है बट प्लेट। बट प्लेट ऑफ कोर्स ये वर्टिकल इसकी बात कर रही हूँ मैं, पहले तो सेंटर में रखो लेकिन स्टैंडिंग में बट प्लेट, क्योंकि हम खड़े हैं और गर्दन पूरी पूरा नेक का जो हाइट है वो पूरा हम यूज कर रहे हैं, तो इसके वजह से आपका शोल्डर मतलब आर्म पिट और चीक के बीच का डिस्टेंस ज्यादा है, तो आपको बट प्लेट थोड़ी नीचे रखनी पड़ेगी तभी राइफल आपके पास आएगी। तो इस तरह से आपको बट प्लेट थोड़ा सा नीचे रख के सेट करना है और फिर बाकी का तो फाइन ट्यूनिंग आपका पोजीशन जब लोगे तब होगा। अब ये हो गए आपके इक्विपमेंट का, आपने रेडी कर दिया। इसके बाद फाइंडिंग बैलेंस विदाउट, हाउ डू यू स्टार्ट, मतलब एक्चुअली रेंज पे आप कैसे स्टार्ट करते हो लेन पे। तो पहले आपको क्या करना है, विदाउट जैकेट ट्राउजर और शूज, फर्स्ट यू जस्ट स्टैंड विथ योर हैंड्स टाइड अहेड, अपने पेट पे उनको रेस्ट करो और गर्दन नीचे करके जस्ट स्टैंड, क्योंकि ये एक बैक बेंड है जिसको पहले तो नॉर्मल बॉडी का बैलेंस कैसे करते हैं, आपके पैरों के नीचे तलवे तलवों पे आपको कैसे फील होता है, कहाँ पे हील पे प्रेशर आता है, टो पे आता है, प्रेशर पूरे पैर में आना चाहिए, तो उसके लिए आपको कैसे खड़े होने से कैसे बैलेंस उसको फील करना बहुत जरूरी है। क्योंकि जैसे जैसे आप अपने इक्विपमेंट एक 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 इक्विपमेंट डालने लगोगे तब आपका वो जो फील है, क्योंकि वो स्टिफ है हमारा जैकेट ट्राउजर, वो फील कहीं बहुत ज्यादा इक्विपमेंट हो जाने से फिर वो फील कहीं मिस आउट हो जाता है। तो इसके लिए आपको पहले थोड़ा विदाउट एनी इक्विपमेंट आपको देखना है कि हाउ डू यू फील व्हेन यू स्टैंड लाइक दिस। फिर एक बार वो बेसिक बैलेंस का आपको फील आ जाए, फिर आप जूते और ट्राउजर पहन के सेम ट्राई टू रिपीट द सेम काइंड ऑफ फीलिंग कि बैलेंस्ड पोजीशन का फीलिंग कैसा है। उसके बाद यू कैन वेयर जैकेट ट्राउजर्स और शूज एंड चेक इट। और जब ये करोगे ना तब आपको ये समझना आसान होगा कि ट्राउजर पहनने से कहाँ क्या टाइटनेस आता है, यहाँ बेंड कर सकती हूँ नहीं कर सकती, व्हाटएवर, फिर उस हिसाब से आप अपना ट्राउजर सेट भी कर सकते हैं। तो उसके बाद फिर जैकेट के साथ सेम चीज करनी है। एक बार ये हो गया देन यू हैव टू टेक पोजिशन फाइंड बैलेंस विथ राइफल। ठीक है, अभी यहाँ पे आप देख सकते हो ये तीनों जो शूटर खड़े हैं, उन्होंने आप तीनों का देख सकते हो ये जो हिप है वो तीनों का थोड़ा सा आगे पुश करके उन्होंने वो राइफल हमारे अपने बॉडी पे ले रखा है, और उससे क्या हुआ है लेफ्ट एल्बो को अच्छा टेबल मिला है। ठीक है, और इसमें क्या है कि लेफ्ट जो आपका लेफ्ट लेग है उसमें से ये जो राइफल का जो हाथ पे जो वजन आता है वो सीधा जमीन में ट्रांसफर होता है, तो उसकी वजह से फिर हमारे बॉडी का जो मसल्स का जो काम है थोड़ा कम हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे मसल्स को सिर्फ राइफल का वजन नहीं उठाना है, एक तो पहले तो उसको अपने ही अपना ही बॉडी वेट उसको बैलेंस करना है, स्टेबल करना है, और उसके साथ साथ राइफल का भी वेट उसको झेलना है। तो
आप देख सकते हो तीसरी जो एकदम राइट हैंड साइड की जो फिगर है उसमें आप देख सकते हो ब्लू से मार्क किया हुआ है, दैट इज योर टेबल। ये आपका टेबल है जिसके ऊपर आपका पूरा पोजिशन बैठता है। तो ये टेबल बनाना वो एकदम इस स्टैंडिंग पोजिशन का वो कोर है, वो उसकी वो जान है। अगर ये टेबल आपका अच्छे से बन गया तो आपको स्टैंडिंग पोजिशन, स्टैंडिंग आपको आ गई। फिर एक बार ये टेबल बन के बेसिक बैलेंस आपको अच्छे से आ जाए, उसके बाद ऑफकोर्स आपको चेक करना है कि बट प्लेट। कई बार अभी इनिशियली तो यू कैन स्टार्ट विथ यू नो सेंटर में बट प्लेट लेके आप स्टार्ट कर सकते हो, लेकिन जब ये यहाँ आता है और आप सामने देखते हो फिर ये कितना राइफल अगर बाहर है तो उसको आपको अंदर लाना पड़ेगा, तभी वो आपका सर जो है हेड पोजिशन सही आने के लिए सर के नीचे आपका राइफल सर के पास आना चाहिए, ताकि आप उसको आराम से ड्रॉप करके रिलैक्स करके छोड़ सकते हो। ये ऐसे नहीं होना चाहिए कि राइफल अगर आपसे बॉडी से दूर है तो आपको राइफल की तरफ जाना पड़ता है, तो वो गलत है, क्योंकि फिर अननेसेसरीली आप और ज्यादा और मसल्स एक्टिव कर रहे हो। तो इस उस हिसाब से आपकी हेड और आपका ये जो भी बोन स्ट्रक्चर है उसके हिसाब से आपको जितना पास चाहिए राइफल वो लैटरल जो लेफ्ट राइट एडजस्टमेंट होता है बट में उससे आप कर सकते हो। उसके बाद चेक बट प्लेट फॉर अप एंड डाउन, क्योंकि अगर ये पूरा डाउन नहीं है या अगर वो सही जगह पे बट प्लेट नहीं है तो राइफल आपका नीचे रहेगा। तो उसको आप वो बेसिकली ये दोनों ही जो बट प्लेट का जो एडजस्टमेंट है वो राइफल को आपके सर के पास लाने के लिए है, पहले आपको उसको लाना है। उसके बाद आपको चीक प्लेट, एक बार वो सर के पास आ गया चीक पे आप रख सकते हो वो अपना हेड रेस्ट कर पाते हो, उसके बाद आपको चीक प्लेट आपके हिसाब से सेट करना है राइट लेफ्ट अप डाउन, क्योंकि तब आप साइड पिक्चर अच्छे से देख सकते हो। तो साइड पिक्चर मतलब फ्रंट साइड एंड बैक साइड। और ये मैं दोबारा ये रिपीट कर रही हूँ, प्रोन के टाइम भी मैंने ये कहा था कि ये सब करते वक्त आप टारगेट को भूल जाओ, टारगेट अभी जरूरी नहीं है, अभी पहले यहाँ जब तक आप सब कुछ सेट नहीं करते टारगेट के सामने भी आप हो तो भी कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। तो टारगेट के साथ हम सेटिंग बाद में कर सकते हैं, पहले यहाँ पे सब कुछ ठीक होना चाहिए। तो इस ये जब आप पोजिशन लेते हो उस वक्त आप हो सकता है आपका राइफल लेफ्ट में जाए, राइट में जाए, नीचे जाए या बहुत ऊपर हो, कोई बात नहीं, हम उसको इतने सारे सेटिंग्स और एडजस्टमेंट राइफल में ऑलरेडी दे रखे हैं और अभी ISSF रूल्स से वो सारे अलाउड है। पहले स्टैंडर्ड राइफल था तो ये सारे अलाउड नहीं थे, लेकिन अभी अलाउड है तो उसकी वजह से वो हम कर सकते हैं। और इसके बाद एक बार ये सेट हो गया फिर आप अपना जो पोजिशन है पूरा का पूरा वो या तो अगर राइफल लेफ्ट में है तो आप थोड़ा आगे आ सकते हो, राइट में है तो थोड़ा पीछे जा सकते हो, और ये जो पॉइंट है उसके अराउंड आप पूरा अपना पोजीशन थोड़ा सा राइट लेफ्ट घुमा के यू कैन अलाइन योर राइफल विद द टारगेट। अब फाइन ट्यूनिंग में बट हुक, ये उस दिन प्रोन में मैंने जो एक्सप्लेन किया था आज भी सेम ही है वो, बट हुक आपको आपके बॉडी के साथ अच्छे से टच होना चाहिए, कहीं पर भी प्रेस नहीं होना चाहिए ताकि वो रिकॉयल में आपको तंग नहीं करे। स्टैंडिंग में बट हुक एक इम्पोर्टेंट काम करता है, वो सपोर्ट भी देता है, क्योंकि आगे वजन ज्यादा है तो वो उसको यहाँ पे उसका जो वर्टिकल मोमेंट है यहाँ जाके वो रोक देता है, तो उसको राइफल को होल्ड करना आसान हो जाता है। इसकी ग्रिप भी जैसे पहले ही बताई इनिशियली कि ये जब आप लेंथ एडजस्ट करते हो तब ये ग्रिप आराम से आपके हाथ में आनी चाहिए। ऑफ कोर्स ये प्रोन जैसी पूरी रिलैक्स नहीं हो सकती क्योंकि बॉडी में मूवमेंट है, तो ग्रिप थोड़ी सी टाइट होगी। आई एम नॉट सेइंग, मैं गलत वर्ड यूज किया, टाइट नहीं होनी चाहिए, ग्रिप फॉर्म होनी चाहिए, ठीक है, एकदम लूज नहीं होनी चाहिए, एकदम टाइट नहीं होनी चाहिए, फॉर्म होनी चाहिए जिससे आपका हाथ में ग्रिप अच्छे से हो कि जो वो फिसले ना। और हेड पोजीशन जैसे बताया कि आप
सीधा खड़े हो, राइफल आपके पास लाना है, आपको राइफल के पास नहीं जाना, तो वहां आके जैसे राइफल आपके पास आती है आपको सिर्फ सामने मुड़ के सर ड्रॉप करना है। और ये छोटे छोटे चीजें हैं जो फाइन ट्यूनिंग में आते हैं। अब देखते हैं पाम रेस्ट एंड बैलेंसिंग राइफल। तो पाम रेस्ट जो है, अभी आप इन तीनों का ही देख सकते हो, तीनों तीनों के हाथ का जो ये प्रोपोर्शन है उसके हिसाब से उन्होंने अपना पाम रेस्ट का हाइट फिक्स किया है। तीनों ही ये हाथ हम यूजुअली ऐसे ही पकड़ते हैं क्योंकि वो राइफल भारी है, तो ऐसे पकड़ने से आपको आसान होता है उसको होल्ड करना, राइफल को वेट लेना, तो इसलिए वो पाम रेस्ट अपने बॉडी के जो भी प्रोपोर्शन है उसके हिसाब से आप उसको सेट कर सकते हैं। और नेक्स्ट, हाँ, बैलेंसिंग राइफल, लास्ट बट नॉट द लिस्ट, स्टैंडिंग में बैलेंसिंग राइफल बहुत मायने रखता है क्योंकि आपका हाथ आपके बॉडी के पास है, और बहुत सारा प्रोन में आप, क्योंकि हम ऐसे पोजीशन लेते हैं आपका हाथ आगे सपोर्ट करता है राइफल को, लेकिन स्टैंडिंग में अपना ये जो सपोर्टिंग पाम है, इस पाम का सपोर्ट काफी पीछे आता है, तो आगे वजन बहुत ज्यादा हो जाता है और फिर वो आपको स्टेबिलिटी नहीं देगा और रिकॉइल में भी तंग करता है, तो इसलिए हम कई बार स्टैंडिंग में पीछे वेट ऐड करते हैं। आप देख सकते हो दोनों ही राइफल में कैसे वेट ऐड करिए किए हैं। कर्सर फिरो, कर्सर फिरो। ओके, सो एक बार इस तरह से आप अपना राइफल बैलेंस कर सकते हो। इस हाथ पे जहां आप राइफल को सपोर्ट करते हो उधर पकड़ के आप, अगर आप छोड़ दो तो आपको पता चल जाएगा कि राइफल का वेट कहाँ, अगर राइफल बैलेंस है या नहीं। ऑफ कोर्स ये पूरी तरह से एकदम तराजू की तरह नहीं होता है, थोड़ा सा वेट आगे रहेगा, लेकिन आप पीछे जैसे प्रोन में किया था, प्रोन में आगे हमने वेट डाला था, यहाँ पे पीछे डाल के आप थोड़ा थोड़ा डाल के देख सकते हो किस में आपको स्टेबिलिटी अच्छी मिलती है। सो आज के लिए दैट्स इट फॉर स्टैंडिंग। इसके बाद हम सवाल लेंगे। आई होप आज का स्टैंडिंग का आपको सही सही समझ में आया है, और इसके हिसाब से आपको कुछ सवाल है आप पूछ सकते हो। दीपक जी, हाँ, सवाल लेते हैं जी। सवाल पहले प्रो, जी जी, आप कल के लेते हैं। अच्छा, कल का हमारे पास एक सवाल है। हाँ? एक शूटर का जो फेसबुक व्यूअर है उनके सवाल था ये। हाँ? वो ये जानना चाहते हैं कि प्रोन पोजीशन उनको लगता है बहुत आसान है। हाँ? लेकिन जब वो लेटते हैं तो उनको दे आर फेसिंग प्रॉब्लम इन ब्रीदिंग। जब वो लेटते हैं राइफल लेके, तो उसका हाँ? कोई हल कैसे, या तो उनकी पोजीशन जानना चाहते हैं कि कैसा है, तो ये बोल रहे हैं कि हाउ टू टेक ब्रीद इन प्रोन पोजीशन। ओके, सी प्रोन में क्या होता है, ऑफ कोर्स ब्रीदिंग बहुत इम्पोर्टेंट है प्रोन पोजीशन में, क्योंकि उसी से आपका जो बाकी इतना स्टेबिलिटी है उस पोजीशन में कि जो चीजें मायने रखती है वो यही है फाइन वाले की, जैसे आपका पल्स हार्ट बीट है और ब्रीदिंग है। तो जब अगर आपको ब्रीदिंग ब्रीद करने में अगर तकलीफ हो रही है, तो आपका आपकी आपको अपना जैकेट देखना चाहिए कि आप बहुत ज़्यादा टाइट तो नहीं कर रहे हो, और ऊपर से आपका जो अपर बॉडी जो उठता है वो अच्छे से, बहुत ज़्यादा अगर फ्लैट पोजीशन होता है तो आपके पेट दबता है और चेस्ट पे प्रेशर आता है, तो ये एक तो आपको चेक करना है। और नॉर्मल ब्रीदिंग प्रोन में ब्रीदिंग नॉर्मली ही होती है, सिर्फ कैसा है जैसे लोडिंग के बाद जब आप राइफल उठाते हो तब नेचुरली वो जो थोड़ा सा मूवमेंट है उससे सांस चढ़ जाती है, तो पहला ब्रेथ जो है वो लंबी लेनी चाहिए सांस। और प्रोन में कैसा है, आप जैसे सांस लंबी लेते हो आपका बैरल नीचे जाएगा, टारगेट के नीचे जाएगा, और जब सांस छोड़ते हो तो वापस जहाँ पे आपने जीरो किया वहां आ जाएगा। तो पहला ब्रेथ शुड बी लॉन्ग, फिर उसके बाद आप नॉर्मल 3-4 ब्रेथ लेके आपके बॉडी को सेटल करो, माइंड को सेटल करो, और फिर उसके बाद जो लास्ट 2 ब्रेथ्स होते हैं बिफोर शूटिंग, उसमें आपको चेक करना है कि एक
एक पैटर्न होता है हर शूटर का, जिससे जैसे वो टारगेट पे, क्योंकि ये बहुत ज्यादा स्टेबल है, आप बहुत आसानी से वो पैटर्न देख सकते हो। तो वो जो पैटर्न है आपके फोरसाइट मूवमेंट का टारगेट के ऊपर, अगर वो उसमें कुछ अगर गलती है, तो वो आपको उसके ये जो लास्ट दो ब्रेथ्स है, उसके जो सेकेंड लास्ट ब्रेथ में उसको आप देखना है, करेक्ट करना है, और फिर लास्ट ब्रेथ में एक बार कंफर्म हो गया कि आपने वो करेक्शन कर लिया, वो माइनर माइनर करेक्शन होती, उसके बाद आप आधे सांस रख के यू कैन शूट पूरा पूरा। आप ना पूरा ब्रीद आउट करो, ना पूरा एकदम पूरा ब्रीद इन करो, बट हल्की सांस लेके यू कैन शूट। नेक्स्ट जी थैंक यू दीपक। दीदी। एक क्वेश्चन और है, ये शूटर है ये जानना चाहते हैं, अभी फेसबुक के हमारे व्यूअर हैं, वो ये जानना चाहते हैं कि लेग पोजीशन का क्या रोल है, और बोलते ड्रोन में हैं कि प्रोन में लेग पोजीशन जो हम स्ट्रेस करते हैं तो उसका क्या रोल है, और कोई ऐसा पर्टिकुलर डिस्टेंस होता है कि इतने पे ही पैर रखना है, ये जानकारी जानना चाहते हैं मुझे बहुत कि खुशी है कि आपने ये सवाल पूछा, क्योंकि इसको यूजुअली शूटर्स बहुत इग्नोर करते हैं, बट ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि आपका जो लोअर बॉडी है, हालांकि वो पूरी जमीन पे हम लेटे हुए हैं और लोअर बॉडी को ऐसे कोई काम नहीं करना है, लेकिन लोअर बॉडी और अपर बॉडी बाय डिफॉल्ट दे आर अटैच। तो अगर आपके लोअर बॉडी में कोई भी किसी भी तरह की टेंशन है या मूवमेंट है, तो वो आपके शॉट को अफेक्ट करती है, इसलिए आपके जो लेग पोजीशन है वो भी प्रोन में बहुत मायने रखते हैं। तो इसलिए आपको करना ऐसे है कि जब आप लेटते हो, एक बार पोजीशन आपका सेट हो गया, एक बार दोनों पैर अच्छे से स्ट्रेच करके फिर उनको रिलैक्स करो, ताकि वो अपने पोजीशन में वो पूरा, जब तक आपकी शूटिंग खत्म नहीं होती, वो उसी पोजीशन में रहे और आपको कोई मतलब वो टेंस ना रहे। तो उसमें क्या होता है कि जैसे हमने प्रोन पोजीशन में मैंने दिखाया भी था कि जो राइट लेग है आपका, दाहिना जो पैर है, उससे आपका ये जो शोल्डर प्रेशर है वो कंट्रोल होता है, क्योंकि हमने लेफ्ट हैंड साइड पे थोड़ा सा बैलेंस उसका शिफ्ट किया है। तो नेचुरली अगर पूरी बॉडी ऐसे रख के लेफ्ट हैंड साइड पे आप नहीं कर सकते, तो लेफ्ट हैंड साइड पे शिफ्ट करने के लिए थोड़ी हमारी बॉडी राइट से उठती है, तो उसको अकोमोडेट करने के लिए और उसको होल्ड करने के लिए ये राइट लेग बहुत काम आता है। तो आप कई शूटर करते हैं कि उसको स्ट्रेच करके सीधा रखते हैं, लेकिन मैं प्रिफर करती हूँ कि उसको थोड़ा सा आप अगर बेंड करो, तो उसको वो उस बेंड को ऊपर नीचे आप अपने हिसाब से हर दिन आप बैलेंस, जो लेफ्ट में जो बैलेंस आया है पोजीशन का बैलेंस, उसके उससे आप रेगुलेट कर सकते हो। तो इसलिए ये दोनों ही पैरों का पोजीशन मायने रखता है। और ये चीज कैसी है कि एक बार आप सेट करो, फिर पूरे आपके शूटिंग टाइम में उसकी तरफ देखने की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है दीपक, नेक्स्ट। जी। और दो क्वेश्चन और हैं कल के। एक हाँ क्वेश्चन ये है कि मैं अपनी राइफल को सेंटर कैसे करूं, जैसे नॉर्मली पोजीशन लेते हैं वो लेफ्ट और राइट रहती है, तो विदाउट हाँ मूविंग एल्बो उसको सेंटर कैसे करें, कोई इसका एक आइडिया हो या फिर कोई एक टेक्निक हो। तो सी दो चार अभी मैं देखे बगैर तो ये कहना मुश्किल है कि किस वजह से आपका सेंटर में नहीं आ रहा है, लेकिन एक तो मैंने उसमें बताया था कि इस एल्बो के अराउंड आपको अपना पोजीशन घुमाना है ताकि वो सेंटर में आ जाए, और उसके साथ साथ ये जो बट प्लेट का जो राइट लेफ्ट एडजस्टमेंट है, वो टेल और ये बट प्लेट का ये वाला जो वर्टिकल एक्सिस के अराउंड जो ये राइट लेफ्ट घूमता है ना उसका ये तो फेस, तो ये तीन जो जी एडजस्टमेंट है उससे आपका राइफल आपके, या तो अगर आपके पास आता है तो वो राइट में जाएगा, आपसे दूर जाता है तो लेफ्ट में जाएगा। तो ऐसे करके आप ये सारे सेटिंग्स इकट्ठा आपको चेक करने, एक दूसरे के साथ काम करते हैं ये सेटिंग्स, तो आपको ये थोड़ा थोड़ा करके किसी को आपके साथ बिठा के ना आपको वो मदद करे, इस तरह से आप पोजीशन में आप देख सकते हो कि कौन सा पोजीशन है बट का जो आपको सही बैलेंस भी सही दे और वो राइफल सेंटर भी हो जाए। जी थैंक यू दीदी। एक आखिरी सवाल है कल का,
सवाल हमारे अगेन फेसबुक फेस पेज हमारे फेसबुक पेज से है, वो ये जानना चाहते हैं कि मेरी राइफल कैंट ज्यादा होती है तो क्या कैंटिंग इज गुड फॉर शूटिंग, और उसको सुधारता हूँ तो मेरा शोल्डर पे प्रॉब्लम आता है, तो क्या कैंटिंग मेंटेन करके मैं शूटिंग कर सकता हूँ? बिल्कुल बिल्कुल कर सकते हो आप कैंटिंग, अगर आपका हर बार सी हमारा जो मेन एम है शूटिंग का पर्पस मतलब एक्यूरेसी ऑफ कोर्स है, लेकिन बेसिकली हम एक्शंस ऐसे करते हैं कि हर शॉट एक जैसा हो, अगर आपका कैंट पूरे टाइम एक जैसा रहता है परमानेंटली कि हर बार सेम कैंट आप अगर रिपीट कर सकते हो तो उसको, और आपको उससे अगर अच्छी शूटिंग हो रही है अच्छा बैलेंस मिल रहा है तो आपको उसको कुछ करने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर कई बार होता है कि कैंट ज्यादा होने से कुछ टाइम बाद वो इट स्टार्ट्स फॉलिंग लेफ्ट, अगर ऐसे हो रहा है तो फिर आपको आपके बट की जो सेटिंग है उस पे ध्यान देना पड़ेगा कि जैसे बट आपका ऐसे ऐसे जो सेटिंग है कई बार उसको अगर आप अगर आपका ऐसे कैंट है राइफल का तो जो बट प्लेट को थोड़ा सा ऐसे टेढ़ा करोगे तो आपका राइफल सीधा रहेगा और आपके शोल्डर में बट सही तरीके से फिट होगा। आप ये करके देख सकते हो, अगर ये जो सेटिंग है और इसके साथ आपको टेल भी थोड़ा सा सेट करना पड़ेगा उसके साथ वो आपका ये प्रॉब्लम हट सकती है। लेकिन इफ यू आर कंफर्टेबल विद कैंट यू शुड गो अहेड एंड यूज द कैंट, अगर आप बार बार रिपीट कर सकते हो इससे कोई दिक्कत नहीं। थैंक यू दी, ये हमारे कल्पित क्वेश्चन थे आज के, हमारे कुछ व्यूअर स्टैंडिंग के हैं और हाथ जिन्होंने रेज किया है दिव्यांशा प्रियदर्शनी ने, तो जितेश आप दिव्यांशा जी को फोकस करिए। हाँ दिव्यांशा का अनम्यूट करिए पहले। गुड आफ्टरनून मैम। गुड आफ्टरनून दिव्याशा, बोलो। मैम आई एम दिव्याशा फ्रॉम ओडिशा। मैम मेरा परसों आवाज आप तक नहीं पहुंच पाया तो मेरा क्वेश्चन अभी, हाँ अभी पूछिए। मैम आई का फोकस के बारे में आप परसों क्वेश्चन हुआ था मैम, आप बोलना चाहते थे लेकिन डिस्टर्ब हो गए तो उसे और एक बार समझा दीजिए। और मैम आई का फोकस मतलब डाइट के बारे में थोड़ा आई के फोकस मतलब अभी मुझे याद नहीं मैं क्या कह रही थी उसे, आप जरा मुझे याद दिला सकते हो? यस मैम, जो दो उंगली एक दूर में रखना है और एक पास में रखना है, वो आई का एक्सरसाइज है ये, इस तरह से आप कर सकते हो, एक उंगली दूर रखो एक पास में रखो एक बार, या तो कोई ऑब्जेक्ट भी अगर आप घर में बैठे हो एक अपनी उंगली अपने पास रखो, एक दूर का ऑब्जेक्ट पे फोकस करो फिर पास के ऑब्जेक्ट पे फोकस करो, ये एक एक्सरसाइज है जो आप कर सकते हो। उससे क्या होता है हमारा कैमरा का जैसे जूम होता है वैसे अपने आंखों का भी जूमिंग एबिलिटी है, तो वो जो मसल्स है उनको वो एक्सरसाइज होती है, तो ये एक आई एक्सरसाइज है, ये आप कर सकते हो अगर आपको अब जैसे भी जब भी आप एक्सरसाइज करते हो उसमें इसको आप इंक्लूड कर सकते हो। डाइट तो आपको हेल्दी खाना चाहिए, जंक फूड नहीं खाना चाहिए, और जो हमारे घर में अच्छा बनता है आपका जो स्टेपल फूड है आप जिस जगह पे रहते हो उस हिसाब से खाना चाहिए और सब कुछ खाना चाहिए और पानी बहुत ज्यादा पीना चाहिए। मैम हाँ बोलो। मैम आईसाइट के लिए क्या वेजिटेबल खाना चाहिए? कैरेट खाओ आप, लेकिन ऐसा नहीं है कि दिन भर कैरेट ही खाते रहो, कैरेट का आप कैरेट ऐड कर सकते हो अपने डाइट में, और इट्स ये कैसा है ना जो आपका हमारे बॉडी का कोई भी ऑर्गन, जब पूरी बॉडी हेल्दी तो सब कुछ हेल्दी, तो आप अच्छा बैलेंस डाइट खाओ, और आप तो अभी छोटे हो सबको जो घर में बनता है पालक खाओ गाजर खाओ मूली खाओ ग्रीन वेजिटेबल्स खाओ फ्रूट्स खाओ बहुत सारा एक स्क्वायर डाइट अगर हो तो आपका सब कुछ आंख कान नाक सर दिमाग सब तेज चलेगा। थैंक यू मैम। ओके
दीपक थैंक यू दिव्या सा, और हमारे अगले जो क्वेश्चन जो जानना चाहते हैं रंजन कुमार है, तो आई रिक्वेस्ट जितेश जी प्लीज रंजन कुमार जी की आप अनम्यूट करिए सो दैट वो अपना क्वेश्चन मैम से पूछ सके। गुड आफ्टरनून मैम। गुड आफ्टरनून, बिहार से हूँ और यहाँ पे मैम जिस तरह से 50 मीटर लाइव प्रैक्टिस के लिए हमारे पास स्पेस नहीं है और अवेलेबल भी नहीं, तो हम ड्राइव प्रैक्टिस ही करके मैच करते हैं। तो ड्राइव प्रैक्टिस मैम स्टेबिलिटी बहुत अच्छा मिलता है, लेकिन जैसे ही लाइव मैचेज करते हैं तो वहाँ स्टेबिलिटी हम लोग को उतना क्लियर नहीं आ पाता है जिस तरह से हम लोग ड्राइव में करते हैं, तो उसके लिए मैम क्या करना है? एक तो कैसा है कि जब हम एक्चुअली ड्राई में आप एक काम कर सकते हो, आप कैसे किस तरह के से ड्राई करते हो वो भी देखना पड़ेगा, और दूसरी बात इनफैक्ट अगर आप वॉल होल्डिंग करते हो ड्राई प्रैक्टिस में, तो हम जो वॉल के ऊपर जो डॉट बनाते हैं तो उसे वो एक्चुअली उससे आपको मूवमेंट ज़्यादा क्लियरली दिखता है, तो अगर आप उसमें अगर रोक पाते हो तो डेफिनेटली 50 मीटर पे आपको आसान हो जाना चाहिए। लेकिन वहाँ दिक्कत क्या है 50 मीटर पे, बिकॉज डिस्टेंस ज़्यादा है और टारगेट मतलब छोटा तो दिखता ही है और छोटे से भी ज़्यादा वो हमें हेजी क्लियर नहीं दिखता टारगेट, तो फिर क्या, और आपको ड्राई करने की मतलब रोज वो टारगेट देखने की आदत नहीं है, उस वजह से आपका आई फोकस जो है वो बार बार टारगेट की तरफ जाता है, इसलिए आपका मूवमेंट बढ़ता है। अब अगर ऑफकोर्स आपको अगर 50 मीटर पे कभी कहीं पे ड्राई भी करने का मौका मिले तो आपको कर लेना चाहिए, ताकि ये आदत आपकी मतलब उस तरह का साइड पिक्चर देखने की आदत पड़ जाए। लेकिन एक चीज आप कर सकते हो, यू हैव टू आप अपनी ऐसी एबिलिटी डेवलप करो, ताकि देखिए हम साइड पिक्चर है इम्पॉर्टेंट, लेकिन उससे ज्यादा इम्पॉर्टेंट है आपका अपना बॉडी पे कंट्रोल। तो अगर आपका पूरा अटेंशन फोकस अगर बॉडी पे हो तो अगर टारगेट हेजी भी दिखे तो भी आप सही शॉट चला सकते हो, क्योंकि 50 मीटर पे वैसे भी हमें टारगेट का सेंटर या टारगेट की सेंटर की रिंग तो दिखती नहीं है, तो वो तो हम अंदाजे से ही शूट करते हैं, है ना? तो वो अगर अंदाजा आपका सही है तो वो सही आने के लिए यू नीड टू फोकस मोर ऑन योर बॉडी। एक्चुअली क्या होता है, आप जब ड्राई करते हो तब आपका पूरा फोकस बॉडी पे रहता है, बट जैसे ही आप आउटडोर में जाते हो रेंज पे जाते हो आपका फोकस हट के टारगेट पे जाता है, इसलिए आपको स्टेबिलिटी नहीं मिलती, क्योंकि आपका बॉडी मूवमेंट पे कंट्रोल ही नहीं। तो ये आप जब जाओगे नेक्स्ट टाइम तो ये एकदम दिमाग को बता के यू हैव टू ट्रेन योर माइंड कि वहां जाके भी मेरा फोकस यही पे रहना चाहिए बॉडी पे। तो कई बार इसके लिए हम जैसे शूटर से 50 मीटर पे भी आग बंद कर करवा के बहुत ज्यादा होल्डिंग कराते हैं, ताकि उनका जो माइंड फोकस है अटेंशन फोकस बॉडी पे रहे, और जो आई फोकस है वो तो सिर्फ टू ट्रैक द सेंटर ऑफ द टारगेट। और मैम साइड पिक्चर के लिए तो 10 मीटर रेंज पे भी प्रैक्टिस कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है आराम से, लेकिन वही 10 मीटर का भी वही प्रॉब्लम वो है कि 10 मीटर का जो टारगेट है थोड़ा पास है तो वो ब्राइट दिखता है, मतलब वो जो उसका जो ब्लैक पोर्शन है वो बहुत आराम से दिख जाता है ब्लैक, 50 मीटर दूर है तो वो थोड़ा सा हेजी हो जाता है, ग्रेइश दिखता है, इतना कॉन्ट्रास्ट जो है वो इतना स्ट्रांग नहीं होता 50 मीटर में, और इसीलिए फिर हमारी बॉडी एकदम से टाइट होके वो हम वी ट्राई टू कैच फोरसाइट पकड़ने की कोशिश करते हैं, उसमें मूवमेंट आता है। तो इवन आप 10 मीटर पे भी करोगे तो अच्छी बात है, आप थोड़ा सा छोटा टारगेट की साइज थोड़ी छोटी कर देना आप, और थोड़ा सा जो ब्लैक है उसका उसको थोड़ा सा पाउडर डाल के या कुछ डाल के उसको थोड़ा हेजी कर दो, फिर और प्रैक्टिस करो आपको फायदा हो जाएगा। हेलो 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 दीपक हेलो हेलो ठीक है, तो ये कोई और कोई पूछ रहा है, रंजना गुप्ता पूछ रही है, अब देखिए। हाँ
मैम नमस्ते। हाँ नमस्ते मैम, जो जैकेट में जो पीछे बेल्ट होती है उसका तीनों पोजीशन में क्या क्या रोल होता है और उसको हम कैसे एडजस्ट कर सकते हैं? ओके, जैकेट में मतलब राइट हैंड पे जो वो स्ट्रैप लगे रहते हैं वो ना? हाँ, तो वो इसलिए है कि ताकि आप यहाँ पे हम जब आपको तो पता होगा प्रोन में हम जब लेटते हैं तो सारा जैकेट ऊपर चढ़ाता है ऐसे इस तरीके से, तो उसको ये यहाँ पे जो बट प्लेट रखने के लिए यहाँ पे पूरा प्लेन आपको अच्छे से जगह मिल जाए इसलिए इस स्ट्रैप को हम टाइट कर सकते हैं। तो प्रोन में तो वो यूजुअली 100% शूटर्स का टाइट होता है। आप पोजीशन लेके किसी को बोल सकते हो कि पोजीशन में आने के बाद उसको वो टाइट कर सकते हैं ताकि आपको अच्छे से यहाँ पे जगह मिले आपका बट प्लेट रखने के लिए। स्टैंडिंग में वो अलाउड नहीं है वो लगाना, और वो उसका इनफैक्ट उससे शोल्डर टाइट हो जाएगा क्योंकि ये पोर्शन वो पकड़ लेगा, तो इसलिए स्टैंडिंग में उसको खुला छोड़ो तो ही बेहतर है। और नीलिंग में अगेन जैसे प्रोन का था, आप पोजीशन में आप देख सकते हो टाइट करके या लूज करके जिसमें अभी आपको कंफर्टेबल लगता है, ये हाथ शोल्डर फ्री रहता है, हाथ अगर फ्री है और बट प्लेट अच्छे से अगर कॉन्टैक्ट मिलता है तो आपको जितना जरूरी है उतना आप टाइट कर सकते हो उसको। थैंक यू सो मच मैम, इट वाज अ गुड सेशन टुडे एंड आवर टाइम इज एंड नाउ, सो आई वुड लाइक थैंक यू एंड साई एनआरआई एंड ई पाठशाला खेलो इंडिया एंड ऑल जितने भी हमारे व्यूअर थे फेसबुक के और जो हमारे आज ई पाठशाला में उपस्थित शूटर्स थे, तो सभी के लिए थैंक यू सो मच। एक बार दीपक, मैं सिर्फ एक बात बतानी है मुझे कि वैसे जैसे हमने प्रोन का किया वैसे ही हम कल, मैं थोड़ा और शॉर्ट कर दूंगी कल का सेशन, जवाब सवालों के जवाब मिलना बहुत जरूरी है, कल देंगे उसके जवाब। ओके, आप नोट कर लीजिए। ओके, थैंक यू सो मच, स्टे सेफ, टेक केयर, बाय बाय।